स्पॉट में बताओ कैसा लगा वीडियो। फर्स्टली अरे हमारे पास नो वी एक्चुअली हैव अ गाय जो ये पूरा किसी एक ठेले से उठा के लेके आया है। चॉकलेट भी लाया। आ बेटा दे दे। कहा उठ क्या लेंगे? किसी और के लिए लाया होगा यार। नहीं वो सच्ची इधर के लिए लाया। वो 5-6 बार चुका पहले। सच बोलो कोई दूसरे के लिए नहीं है ना? अच्छा जैन के लिए भी है। मेरे को लगा दोनों बाहर जाएगा और निकलेगा। वेरी क्यूट। व्हाट्स योर नेम? कार्तिक। थैंक यू सो मच। ऐसे ऐसे कोई रोज देता है लेकिन अच्छे से देना। और कैसे देते हैं बेटा? पति परमेश्वर खड़े हैं इधर। थैंक यू। इसीलिए तो वो चॉकलेट लेके आया है ताकि मजा पड़े। कुछ तो दे दूंगा, कुछ बोलेंगे नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कार्तिक। थैंक यू। या वी वांटेड टू एक्चुअली have a combination of the garba fever जो अभी शुरू होने वाला है and of course बारिश, क्योंकि बारिश तो सभी को पसंद होती है और गरबा तो इंडिया में सभी को पसंद है। इंडिया में ज़्यादा स्पेशली मिठी भाई की क्राउड को गरबा। तो आई थिंक हमारे जो डायरेक्टर है आदिल शेख, उन्होंने बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सोचा कि हाउ कैन वी ब्रिंग द टू मोस्ट फेमस थिंग्स अबाउट इंडिया टुगेदर विच इज गरबा एंड रेन एंड ऑफ कोर्स लव। जब प्यार की बात होती है आई डोंट थिंक नेहा कक्कर की आवाज़ से ज़्यादा कुछ यू नो लोगों को पसंद है एंड दिस इज प्राइमरली नेहा कक्कर एंड रोहन प्रीत सॉन्ग एंड द फैक्ट कि उन्हें एक जोड़ी ही चाहिए थी एंड दे सिलेक्टेड अस, वी फील वेरी ऑनर्ड। एंड थोड़ा बोलने दो, मुझे सवाल करोगे तो सब कुछ पूछ दूंगी इसलिए। ओके जैद, मेरा सवाल आपसे है। हाँ मैं कह रहा हूँ कि यू नो व्हेन इट कम्स टू कोरियोग्राफी वी नो यू आर अमेजिंग, तो इसमें आपने ऐसे पर्सनल कुछ इनपुट दिए कि यार ये ऐसे नहीं है? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गरबा वॉज माई फर्स्ट टाइम बिकॉज मैंने गरबा कभी नहीं किया है। परफॉर्मेंस किए स्टेज पे बट नॉट गरबा, तो मेरे लिए बहुत नया था। सो I tried my best to do garba. I'll honestly say ये लग नहीं रहा that he's doing it for the first time. ऐसा लग रहा है एकदम pro है। नहीं actually also the difficult thing is जब बारिश जो हमारी normal बारिश होती है चलो we understand it but this was obviously also artificial rain. तो shoot करते वक्त literally मेरे जूते वूते मैंने सब उतार दिए थे because it was so difficult to kind of you know even maintain a little bit. But I think he's also done a fab job. Nice. Oh, so sweet. Yeah, but the magic is looking as there's a trivia actually, क्योंकि ये हैं गुजरात से लेकिन गरबा पहली बार किया है उन्होंने, तो I was like I'm a Gujju by the way. Yeah, he's from Surat and I was like how do you not know how to play the garba? Exactly. And I was like आओ मैं तुम्हें थोड़ा सिखाती हूँ। See, that is the way it's done. Okay, so mera ek jo main question hai that you guys are one of the best couples on Instagram. I mean, your reels and the funny stuff you do. Mujhe honestly batao, idea kiske hote? Ye batayenge aapko. Nahi, kya mil gaya? Nahi, actually ideas hum dono ke hi alag alag hote hain. Kabhi kabhi mera dimag bahut alag chalta hai aur main kuch aisa kar jati hu to actually wo ekdam crazy ho jata hai. I mean, he gets shocked ki wow, you thought about this. And creatively, like when it comes to our dance reels and everything, he is like nobody can touch his direction and all of that. So yeah. Amazing. आपको कुछ बोलना है? मतलब, of course I was in social media. I started my journey from there. तो Gaur was, I think for me, Gaur you were. Yeah, for social media, yes. But yeah, we worked out together. Yeah. जो भी करते हैं साथ में करते हैं. How special was it for you to do a romantic song with the love of your life? Who are you asking? Good question. Who are you asking this question? Both of us, okay? both are love of ek dusre ki life. But this is actually not our first song together, but it is our first dance song together because I don't know why ab tak hame koi dance song offer nahi hua. Stories hain har gaane mein. But very very happy because जब बारिश होती है तो वैसे ही बहुत चीजें रोमांचक हो जाती हैं। But बहुत बारिश होती है तो नहीं होती है। जब to be on set going through such a difficult shoot क्योंकि it was very very tough जब आपके पर पानी इतना ज़्यादा आता है and throughout the 2-day shoot throughout that means 12 hours plus 12 hours you're just under rain
you really need someone to understand that. So I was very happy I was doing that with my husband, and he was understanding that he was doing it with his wife. I'm always happy when I hear that you have to do it with God. I'm like, okay, done, ready.